सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर आपको बहुत सी सीक्रेट सेटिंग मिलती है जो आपकी नॉलेज में नहीं होती, जिसकी वजह से आप बहुत से फालतू के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल के 10 ऐसे हैक्स और ट्रिक बताने वाला हूँ जो बहुत ही काम के होते हैं और शायद आप उन्हें नहीं जानते। अगर आप उन सीक्रेट सेटिंग को नहीं जानते तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आज की हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पिनिंग या पिन विंडो। दोस्तों, कई बार क्या होता है, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव आपसे मोबाइल लेते हैं एक कॉल करने के लिए, बट दोस्तों होता क्या है, लोगों के अंदर एक कीड़ा होता है मोबाइल को चेक करने का कि आप किससे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर किससे मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, उससे बचने के लिए एंड्रॉयड में आपको एक सेटिंग दी गई है। उसके लिए दोस्तों आपको आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा एंड दोस्तों आपको जाना होगा आपके मोबाइल की सिक्योरिटी पर। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आइए। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है अदर सिक्योरिटी सेटिंग का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आइए। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको दे रहा है पिन विंडोज का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है तो यहाँ से इसे ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपका फ्रेंड आपसे मोबाइल लेता है यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों वो क्या करता है, वीडियो देखने के साथ साथ आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी चेक करता है। तो दोस्तों से बचने के लिए आप क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पे इसे रिसेंट बटन पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन शो हो गया पिन करके, इस पर ग्रीन आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसे स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप उसे दीजिए अपने फ्रेंड को मोबाइल, वो नॉर्मली सिर्फ यूट्यूब ही यूज़ कर पाएगा, इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अगर वो बंदा अगर चाहेगा आपके नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना, तो दोस्तों वो नोटिफिकेशन पैनल को भी ओपन नहीं कर सकता। इवन अगर वो कोई बटन को क्लिक करेगा तो दोस्तों यहाँ पर लिख करेगा योर अनपिन एप्लीकेशन प्लीज़ प्रेस एंड होल्ड रिसेंट एंड बैक बटन। तो दोस्तों कुल मिलाकर के वो किसी भी बटन को यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ वो यूट्यूब पे ही वर्क कर सकता। अगर वो चाहे, अगर आप वो चाहेगा कि बाहर आना, तो दोस्तों वो बाहर नहीं आ सकता। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो दोस्तों अब बात करते हैं इससे आप बाहर कैसे आएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों बटन को आपको दबाना होगा एक साथ। इस पर जब आप एक साथ क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप इस फीचर से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा जब आपका नेट स्लो होता है या नेट आपका नहीं होता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि इस तरह कुछ एक सैम्बल बन करके आ जाता है लाइक डायनासोर की तरह। तो दोस्तों गूगल ने इसमें भी एक हिडन ट्रिक दी हुई है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस डायनासोर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली आप फालतू टाइम में जब आपका नेट वर्क नहीं कर रहा तो आप यहाँ से अपना गेम खेल सकते हैं। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप के भक्त हैं, अगर यूँ कहें कि आप व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये ट्रिक दोस्तों आपके बहुत ही काम की हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सिंपली बोल करके अपने सारे मैसेज को नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि कई बार हम लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, हमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा मैसेज करने होते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली आप बोल करके बहुत ज़्यादा स्पीड में अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए स्पेस बगल में आपको एक ऑप्शन शो हो रहा माइक का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी और दोस्तों यहाँ पर हिंदी भारत में इसे मार्क कर दीजिए और यहाँ से इसे सेव कर लीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे माइक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दोस्तों आज के टाइम पर हम सब अपने एंड्रॉयड मोबाइल के इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि उसके बिना आज के टाइम पर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अपने मोबाइल की बैटरी को लेकर के, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में सबसे नीचे आना है और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है अबाउट डिवाइस का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दे रहा है बिल्ड नंबर, इस पर आपको 7 टाइम क्लिक करना है 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपका डेवलपर मोड हैज़ बीन अनेबल हो गया है। अब आप बैक आइए। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक नया आपका ऑप्शन ओपन हो गया है डेवलपर ऑप्शन करके, इस पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों जब आप डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है विंडो एनिमेशन स्केल ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट सब एक पर क्लिक होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, या तो आप इसे यहाँ से ऑफ कर दीजिए या एनिमेशन स्केल 0.5 कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ से इसे ऑफ़ कर दीजिए और यहाँ से दोस्तों ट्रांजिशन को भी ऑफ़ कर दीजिए और यहाँ से एनिमेटर को भी ऑफ़ कर दीजिए। दोस्तों इसे बेसिकली ऑफ़ करने के बाद आपका क्या होगा, बैकग्राउंड में आपके ज़्यादा एप्लीकेशन रन नहीं करेंगे और दोस्तों जब आपके ज़्यादा एप्लीकेशन रन नहीं करेंगे तो CPU पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और दोस्तों जब CPU पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा तो CPU आपका ज़्यादा बैटरी कंज्यूम भी नहीं करेगा।
दोस्तों आपने बहुत से एप्लीकेशन ट्राई किए होंगे जो दावा करते हैं कि आपके कैश डेटा को डिलीट कर देंगे और आपके फालतू के जो भी चीज़ें हैं वो डिलीट कर देंगे जो आपके वर्क के नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फीचर आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल में इनबिल्ट मिल जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा आपके मोबाइल के स्टोरेज पर। और दोस्तों स्टोरेज पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है एक कैश डेटा। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा कैश डेटा पे आपको शो कर रहा है 35.80 MB। दोस्तों मैं यहाँ से इसे क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और दोस्तों मेरे मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज जो है डिवाइस मेमोरी जो है वो मेरी 35% मेरी स्पेस खाली हो गई। तो दोस्तों इस तरह से आप पर डे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हर एक दो दिन में आप करके यहाँ से इसे डिलीट कर दें। इस तरह से आपको किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की डिस्प्ले को स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और दोस्तों यहाँ से आपको क्लिक करना होगा एसिबिलिटी पे, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है विजन का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है मैग्निफिकेशन गेस्चर, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे ऑन कर दीजिए। आपको दोस्तों यहाँ से ऑन करने के बाद दोस्तों आप जिस पार्ट को जूम करना चाहते हैं उस पार्ट पर दोस्तों आपको 3 बार अपनी उंगली को टैप करना पड़ेगा, अपनी फिंगर को टैप करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप पर्टिकुलर किसी एक पार्ट को जूम कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं पहले की तरह तो आपको 3 बार टैप करना पड़ेगा अपनी स्क्रीन पर, 1 2 3, और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अपने नोटिफिकेशन को इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और दोस्तों आपको जाना होगा एसिबिलिटी पर। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है हेयरिंग का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दे रहा है सबसे ऊपर ऑप्शन आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का, इसे यहाँ से ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों इस फीचर में बेसिकली आपको मिल जाता है कि अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आती है, लाइक अगर आपका कोई अलार्म बजता है या फिर कोई नोटिफिकेशन आती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपके मोबाइल की फ्लैश से आपकी लाइट जलेगी। तो दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाता है आपको आपके मोबाइल पर। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं या किसी एक ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर वॉल्यूम अलाउ नहीं है, तो दोस्तों उस कंडीशन में ये ट्रिक आपके बहुत ही काम की हो सकती है। तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल की साउंड एंड नोटिफिकेशन सेटिंग पर, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दे रहा है नोटिफिकेशन बार पर, डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसे इनेबल कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको डेट मिल जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको डेज मिल जाते हैं कि किस डेट में आप डू नॉट डिस्टर्ब लगाना चाहते हैं। यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम और बंद कर सकते हैं एंड टाइम पर। दोस्तों मान लेते हैं अगर आप कॉलेज जाते हैं 11 से लेकर सुबह मॉर्निंग में 8 से लेकर के 11 बजे तक, तो आप स्टार्ट टाइम में 8 और एंड टाइम में 11 सेलेक्ट करके इसे यहाँ से ओके कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपके मोबाइल पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं बजेगी और दोस्तों आप जब जब चाहते हैं आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं और उस कंडीशन में आपके मोबाइल को कोई भी डिस्टर्ब, इनफैक्ट आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोस्तों अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या दोस्तों अगर आपका सिम कहीं गायब हो जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा खतरा अगर रहता है तो रहता है आपके बैंक का, बैंक अकाउंट का, कि क्योंकि दोस्तों बैंक में क्या होता है, नॉर्मली सिर्फ एक OTP के जरिए आपका कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है आपके बैंक अकाउंट से। तो दोस्तों उसके लिए एक ट्रिक दी हुई है एंड्रॉयड पर कि आप अपने सिम पर लॉक लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग पर, सेटिंग पर, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको जाना होगा सबसे नीचे अदर सिक्योरिटी सेटिंग पर। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक थर्ड नंबर पे ऑप्शन दे रहा है सेट सेटअप सिम कार्ड लॉक। तो दोस्तों यहाँ से आप लॉक सिम कार्ड पे क्लिक कर दीजिए एंड दोस्तों यहाँ से आप एक पिन दे सकते हैं नॉर्मली जो आप देना चाहें। ओके करने के बाद दोस्तों अगर नॉर्मली कोई भी आपका कोई भी बंदा अगर आपका सिम निकाल करके अपने मोबाइल में लगाएगा, तो दोस्तों सबसे पहले उसे अगर सिम ऑन करना है तो दोस्तों सबसे पहले उसे पिन वहाँ पे इंटर करना होगा, उसके बाद ही वो सिम आपका किसी और मोबाइल पर एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की 10 सीक्रेट इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।